हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस से बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपका वैद्युत रसायन क्या होता है और आपका डेनियल सेल क्या होता है बच्चों, इसके संबंध में हमने पढ़ लिया था। और आज हमने आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा रखा है, नेस्ट समीकरण। तो ये क्या होता है बच्चों और इसके संबंध में जाने। तो एक इक्वेशन को देने वाले जो नेस्ट थे, तो उनके नाम पर, उनके सम्मान में इसको हम नेस्ट समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये होता क्या है, तो नेस्ट समीकरण एकल इलेक्ट्रोड विभव व एकल इलेक्ट्रोड विभव व सांद्रता के बीच संबंध बताती है, तो आपका जो इक्वेशन है बच्चों ये क्या करती है, एकल इलेक्ट्रोड विभव और सांद्रता के मध्य क्या बताती है बच्चों, संबंध बताती है। जैसा कि अब क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं को जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, हम जानते हैं कि बच्चों ये क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln Q, इक्वेशन नंबर बच्चों एक। तो ये इक्वेशन बच्चों क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है बच्चों तो आप क्लास 11th का चैप्टर आप खोलेंगे गैसियस फेस, तो वहाँ पर ये इक्वेशन बच्चों आपको मिलेगा। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln और क्यू। तो डेल्टा जी क्या है बच्चों, डेल्टा जी क्या है आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, और डेल्टा जी नॉट क्या है बच्चों, ये आपकी मानक स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। आर क्या है बच्चों आपका गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है। टी क्या है बच्चों टेम्परेचर है, और क्यू क्या है बच्चों आपका कंसंट्रेशन है। तो ये चीज़ें बच्चों आप जानते रहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि और हम क्या जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस NFE। तो बच्चों डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस NFE। ये इक्वेशन बच्चों हमने सेकंड मान लिया। और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस NFE नॉट। इक्वेशन बच्चों इसे हमने क्या मान लिया, थर्ड मान लिया। क्योंकि ये भी बच्चों आप क्लास में आप पढ़े होंगे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आपके फैराडे कांस्टेंट, ये क्या बच्चों आपका फैराडे कांस्टेंट है। और हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू बच्चों NFE नॉट। तो बच्चों आपका N क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F क्या है बच्चों फैराडे कांस्टेंट है, E क्या है बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल है, और यहाँ पे E नॉट क्या है बच्चों स्टैंडर्ड विद्युत वाहक बल है। तो ये चीज बच्चों आप जानते रहिए। अगर इक्वेशन दो व इक्वेशन तीन का मान इक्वेशन एक में रखने पर आप बच्चों रखें, तो आपका जो डेल्टा जी क्या आएगा, एन माइनस NFE इक्वल टू माइनस NFE नॉट, और ये क्या है बच्चों आपका माइनस RT ln। और यदि बच्चों हम देखिए हमें क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए बच्चों आपका, यदि ई नॉट सेल चाहिए तो हमने क्या किया, इसमें यहां पे हम आपका लिख रहे हैं बच्चों, यहां पे डेल्टा जी, यहां पे हमने आपका सेल लिख दिया, और ये भी बच्चों आपने काम लिख दिया सेल। तो जो बच्चों आपका ई नॉट ई सेल होगा बच्चों, और यहां पर बच्चों हमने क्या लिख दिया आपका ई सेल लिख दिया। तो ठीक, हम सेल की बात करें तो यहाँ पर हम सेल लेकर चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर
इक्वेशन बच्चों इसे हमने क्या मान लिया आपका चार मान लिया। इक्वेशन फोर में हमें क्या चाहिए बच्चों ई सेल की ओर चाहिए, एन एफ हटाना होगा तो इसलिए माइनस वन बाई एफ से गुणा करने पर और जब बच्चों हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाए माइनस एन एफ ए अपान माइनस एन एफ ए इक्वल टू माइनस एन एफ ई नाट अपान माइनस एन एफ ए। यहाँ बच्चों आप एन एफ से सिक्योर करें, माफ कीजिए एन एफ माइनस आर टी एल एन क्यू अपान एन एफ। ठीक है बच्चों, ये माइनस से माइनस कैंसिल, एन सी एन कैंसिल, एफ सी एफ कैंसिल, तो आपका ये सेल है बच्चों, यहाँ पर हम आपका सेल है तो यहाँ पर सेल लिखिए और यहाँ पर बच्चों आपके क्या सेल है। तो ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एन सी एन कैंसिल, एफ सी एफ कैंसिल, तो क्या आया बच्चों आपका ई सेल इक्वल टू बच्चों क्या आया ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू। इसी क्वेश्चन नंबर बच्चों ने दिया हम का पाँच और ये क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और यदि हम इसे और सॉल्व करें बच्चों तो आपको पता क्या है कि आपका क्या है विद्युत वाहक बल है, ये क्या बच्चों मानक विद्युत वाहक बल है, आर क्या गैस कांस्टेंट है। तो आर का मान क्या होता है बच्चों, आर का मान क्या होता है आर दशमलव तीन एक चार जूल कैलोरीन इनवर्स और मोल इनवर्स और टी क्या बच्चों टेम्परेचर है और सामान्य टेम्परेचर कितना होता है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस होता है और यदि 273 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 298 कैलोरीन आया। तो ये बच्चों आपका रहा टेम्परेचर और ये क्या है बच्चों ये क्या आपको स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बच्चों, यन क्या बच्चों आपकी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यफ क्या बच्चों फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे स्थिरांक है और फैराडे स्थिरांक का मान क्या होता है 96500। ये बच्चों आपके फैराडे कांस्टेंट का मान होता है और यहाँ पे बच्चों क्यू दिया है और क्यू क्या बताता है बच्चों कंसंट्रेशन बताता है और क्यों आप कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे आपका रहेगा बच्चों प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये रहा बच्चों अगर ये सब हम मान यहाँ पर रखें तो बच्चों हमें क्या आएगा और एक बात और जो आपका एलएन है एलएन इक्वल टू क्या बच्चों होता है आपका लाग बेसी या 2.303 लाग बेस 10। ये ही बच्चों आप फॉर्मूला याद रखिएगा अगर ये वैल्यू इतना यहाँ पर पुट कर दें तो क्या आएगा बच्चों हमारा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस आर और टी का मान और एफ का मान रखें और आपका जो एलएन है और किसमें चेंज करें बच्चों लॉग बेस 10 में तो कहने का मतलब आर का मान 8.314 गुड़े टी का मान 298 बटे 96500 इंटू एन और इसे बेस लाग बेस 10 में चेंज करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 2.303 लाग बेस 10 और आपका हम क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये लिखिए बच्चों यदि हम इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो अब क्या आएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये क्या बच्चों पूरा सॉल्व करेंगे इतना तो आपका 0.0591 बटे एन लाग बेस 10 ये क्या बच्चों प्रोडक्ट है मतलब उत्पाद बटे अभिकारक। तो ये कैसे है बच्चों
ये इक्वेशन आपका नेक्स्ट इक्वेशन है। तो यही बस आपको याद रखनी है, और इसकी सहायता से बच्चों आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो आओ इसकी सहायता से हम विद्युत वाहक बल कुछ एग्जांपल्स इस पर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर हमें निकालना है आपका ई सेल, सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें आपके सेल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन विभव दिए हो बच्चों, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या हो बच्चों, आपका जिंक जो कन्वर्ट हुआ बच्चों किसमें, Zn2+AQ और +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ बच्चों। और ये कौन सा अभिक्रिया है आपका, ऑक्सीडेशन है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और इसी प्रकार बच्चों जो कॉपर होगा 2+2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बच्चों किसमें कन्वर्ट हुआ होगा आपका, Cu में। तो ये क्या है बाबू आपका इक्वल से, यहाँ पर भी यस लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर भी आप यस लिख सकते हैं। तो ये आपके अर्ध अभिक्रिया है बच्चों। तो ये आप क्या बच्चों, आपका रिडक्शन है, तो इसके माध्यम से आपकी अर्ध अभिक्रिया लिख दिया। तो मतलब यहाँ से क्या निकला, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों और कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। तो हमें ई सेल निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता बच्चों, यहाँ से आपका टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन लिखा हुआ है Zn+Cu2+AQ एरो का साइन, फिर बच्चों क्या आपका Zn2+AQ+Cu और यस। तो ये चीज़ें बच्चों हमें क्या में मिल गई, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, ई सेल। तो ई सेल के लिए क्या होता है बच्चे, ये जानते रहिए, याद कर लीजिए आज से, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। एक क्या बच्चों, ई नॉट ऑक्सीकरण किसी सेल के लिए अगर आपको विद्युत वाहक बल निकालना है, और ई नॉट क्या होता है बच्चों, आपको अपचयन होता है। ये फार्मूला बच्चों आप याद रखिए, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, और देखें आपका आंसर क्या हो जाए। तो ई सेल अगर बच्चों यहाँ पर लिखें, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो ई नॉट Cu से कन्वर्ट हो रहा है आपका बच्चों, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर ई नॉट जिंक है जो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, जिंक 2+ में, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसना हो रहा है बच्चों, ई नॉट कापर का रिडक्शन हो रहा है, तो कापर के लिए हमने लिखा Cu 2+ कन्वर्ट किसमें हो, Cu में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जिंक का बच्चों रिडक्शन दिखाया है, तो अगर इसका हम निकालना चाहे आपका ई नॉट Zn+2, तो इसी को बच्चों में क्या उल्टा कर देना है, यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या बना देना आपका, प्लस बना देना है, तो +0.76। तो ये किसका हो गया, जिंक का विभव निकल रहा है बच्चों। तो इसे रखिए यार, तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0.76, और यहाँ पर क्या बच्चों प्लस है, और इसका विभव आपको क्या दिया बच्चों, +0.34। दोनों आप जोड़ दीजिए बच्चों, तो 6, 4, 10 के 0 आत्म 1, 7, 3, 10, 11 और यहाँ पर बच्चों आपका 10 तो इतना वोल्ट आ गया। तो ये क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा। जैसा कि बच्चों यदि हम दूसरा न्यूमेरिकल देखें आपका, अब इसको हम बच्चों आपका कैसे साल करेंगे, यहाँ पर फिर इसने हमसे क्या पूछ लिया है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल मतलब ई सेल पूछ लिया बच्चों। और ई सेल के लिए बच्चों आपको फार्मूला पता है,
इस सेल के लिए बच्चों आपको जो फार्मूला पता है क्या पता है, हम जानते हैं कि ई सेल इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस बच्चों क्या होगा आपका, ई नॉट रिडक्शन। बस अब इसी में आपको वैल्यू रखना है बच्चों। अच्छा ये क्या दे रहा है आपको, रिडक्शन का वैल्यू दिया है, और ये बच्चों किसका दिया है, रिडक्शन का वैल्यू आपको दिया है। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि कहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले ये बच्चों यहाँ पर हम ध्यान दें, तो एजी है बच्चों आपका, और क्या आपका बच्चों क्या है, जिंक है। देखो बच्चों हम जानते हैं कि ई सेल क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन, और ई नॉट क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। और जो जिंक की रिएक्टिविटी होती है एजी से ज़्यादा होती है बच्चों, इसलिए ये किसका काम करेगा, एनोड का, और ये किसका काम करेगा बच्चों, कैथोड का। ये कैथोड का वर्क करेगा बच्चों, और ये किसका वर्क करेगा, एनोड का। तो इसे रिडक्शन दे दिया, रिडक्शन का वैल्यू दे दिया। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन लिखना चाहें बच्चों तो क्या लिखेंगे, ई नॉट ZN प्लस टू। अब इसी के साइन को बदल दे बच्चों, हमने इसे उल्टा कर दिया ना, तो साइन को बदल दीजिए आप, तो 0.76 तो हो गया बच्चों। तो इसके लिए अगर इससे लिखना है बच्चों, इस इक्वेशन से इससे इक्वल क्या होगा, ई नॉट ZN प्लस टू प्लस ई नॉट AG प्लस AG, ये हो गया बच्चों। तो इसकी वैल्यू कितने लग रही है आपको, तो ई सेल इक्वल कितना है बच्चों, 0.76 प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0.80। तो ऐड कीजिए 6 आ गया बच्चों, 8 और 7 कितना बच्चों, 15 के 5 हाथ में 1 तो 1, तो 1.56 वोल्ट बच्चों इसकी वैल्यू आ गई। हेलो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देख रहे हैं बच्चों, तीसरा, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका इक्वेशन दे दिया है, ये आपका इक्वेशन बच्चों दे दिया है, और आपका हमें यहाँ पर आपका ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू और ई नॉट एम जी स्लैश एम जी आपको बच्चों ज्ञात है, और हमें निकाला ई एम एम सेल का। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक फार्मूला बता रखा है आपको कि जब भी आपको सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो तब कैसे निकालना, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, बस बच्चों हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखें आपका ई एम जी, यहाँ पर बच्चों हमने आपका प्लस नहीं लगाया, यहाँ पर आपका ई एम जी टू प्लस है बच्चों। तो ई एम जी किस पे कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, एम जी किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, एम जी प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, और कापर प्लस टू कापर में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दिया है बच्चों, ये तो आपका रिडक्शन दे दिया है, और ये भी बच्चों आपका रिडक्शन दे दिया है। अब हमें पता करना होगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एम जी बच्चों ज़्यादा रिएक्टिव होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू लिखना हुआ ई नॉट, तो आप क्या करें, एम जी किस में कन्वर्ट बच्चों, एम जी प्लस टू में, तो वैल्यू बद का बदल दीजिए, प्लस का तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो -2.37 वोल्ट आ गए बच्चों। बस अब यही रखना है आपको, यहाँ पे देखिए तो आपको जो ई सेल निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसका बच्चों क्या ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट एम जी स्लैश एम जी टू प्लस ई नॉट, और यहाँ बच्चों कापर प्लस टू कापर। बस बच्चों अब वैल्यू आप रख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, -2.37 प्लस, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0.34। अब बच्चों देखिए
अगर आप सात में से प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा माइनस है तो माइनस लगाइए, सात में से चार घटाएंगे तो तीन आएगा बच्चों, और तीन में से तीन क्या बच्चों जीरो और टू, तो 2.03 वोल्ट आ गया बच्चों। तो ये हमारी वैल्यू हो गई बच्चों। अगर आपको क्लास पसंद आई हो बच्चों तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको जहाँ पे न समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे पूछ लीजिए। अगले वीडियो में इससे संबंधित हम ला लाएंगे, जो आपका एक ला बचा हुआ है कोहल कोलराउस का ला, उसको बच्चों हम पढ़ेंगे।